बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, तो अभी जो है ना हम आज पहुँचे हैं घर, और अभी देवरानी साहिबा जो है ना जा रही है शहर, और ये देखें ये सुहाजना जो है ना ये ले जा रही है हमारा इधर था करीब। ये देखें इसमें ना अभी फलियाँ लग गई हैं, ये देखें सुहाजने में। और किसी ने बहुत शौक से मांगा, कहा कि हमें सुहाजना खाना है तो हमें ज़रूर देना, तो फिर उनके लिए लेकर जा रही हैं। तो अभी मैं देवरानी साहब को कह रही थी कि कल शादी में जाना है ना, मैं तो मेरे लिए चूड़ियाँ भी लेकर आनी है ना। देवरानी साहब कह रही थी कि कल शादी पे जाना है, तो मैंने कहा आप जाएंगी? हाँ मैं जाऊँगी, और मेरे लिए चूड़ियाँ भी लेकर आनी है, ठीक है? हाँ, ये वो अच्छे वाली चूड़ियाँ लेकर आनी है जो खुद पहनी हुई है, ठीक है? हाँ, ये वाली चूड़ियाँ भी लेकर आनी है, और लेकर आऊँगी। हाँ, और हसीब के जो है ना दर्जी को मैंने कपड़े दिए हैं, स्कूल की वर्दी, तो ये रोज़ बहाने बनाता रहता है कि आज कपड़े जो है ना वो धुले हुए नहीं है, तो आज मैंने स्कूल नहीं जाना, तो इसीलिए मैंने ना दूसरी वर्दी भी लेकर असीब की दे दी है। तो उसको कहना कि उसको सही सही करके सिए और पहले वाली वर्दी से थोड़ी बड़ी रखे, ठीक है? क्या कर रहे हो हसीब? ये कांचे खेलते खेलते आपने ये रोड़े खेलना कब से शुरू कर दिया है? ऐसे अभी आप खेल के दिखाएं। नहीं, अभी मैं एक बच्ची हूँ, अभी आप मेरे साथ खेल रही थी। ये कच्चे हैं, हम ना पत्थर के जो होते थे ना वो खेलते थे, पत्थर जो होते थे हम नहीं खेलते। ये थोड़े चार हैं, हम सात के साथ खेलते थे, सात पत्थर लेकर उसके साथ मैं और मेरी देवरानी बहुत ज्यादा खेलते थे जब हम छोटे छोटे होते थे। हम इकट्ठे रहते थे ना शुरू से बचपन से, तो हमें और बहुत ज्यादा खेलते थे। अभी जो है ना ये बच्चे खेलते रहते हैं, ये लोग हल्के हल्के से बादल हैं ये देखें, और इस मौसम में जो है ना आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होती रहती है। तो इस साल अभी बचत है कि अभी गरज चमक के साथ बारिश तो नहीं हुई, लेकिन सुबह सुबह जो है ना ठंडी ठंडी हवा चली है, एकदम से झोंका ज़ोरदार हवा का आया, ऐसा लगा कि आंधी आने वाली है। तो जब मैंने इस साइड से देखा तो बहुत ही प्यारा प्यारा मौसम, और ऐसा लगता था कि इधर से अभी की अभी जो है ना वो आंधी भी आ जाएगी और बारिश भी होना शुरू हो जाएगी। बारिश बताया तो जा रहा है कि एक दो दिनों में होने वाली है, लेकिन कब होगी ये पूरा पता नहीं है। और व्यूअर्स, अभी शाम का वक्त हुआ है, तो मेरी मुर्गी आज इधर शाम हो रही है, तकरीबन 80 का टाइम हो चुका है, और इधर बैठे कहीं ये बीमार तो नहीं होगी, अंडे देने के लिए आती है इधर। ये देखिए सामने बैठी हुई है, इधर ये अंडा देती है, क्या हो गया है आज इसको? मेरे ख्याल में ना अब मुझे समझ आया, ये अंडा तो इसने दे दिया। ये देखिए ये अंडा तो पड़ा हुआ है, ये अंडा तो इसने दे दिया है, लेकिन इस मौसम में ना मुर्गियां कुड़ पर बैठ जाती हैं, यानी बच्चे देने के लिए बैठ जाती हैं, और मुझे लगता है कि ये मुर्गी भी अब बैठ गई है कुड़ पर, तो हाथ खड़े कर लिए। अभी पिछले साल काफ़ी बच्चे मुर्गियों के निकलवाए थे, और सारे के सारे इधर फिर गंदम होती है ना, तो फिर फसलें होती हैं, फसलों में जो है ना वो डॉगी वगैरह और गीदड़ वगैरह जो होते हैं ना वो सब के सब खा जाती हैं। तो मेरी तो तौबा है भाई, मैं तो बच्चे इस साल मुर्गियां नहीं रखूंगी, एक दो से दो चार मुर्गियां हैं जो बची हुई हैं अंडे देने के लिए, वही काफ़ी हैं बस। देखो बहुत ही प्यारी प्यारी मज़ेदार हवा चल रही है। तो अभी जो है ना ये देखें अदनान और हसीब माशाल्लाह से पानी लेकर आ गया है। हसीब सलाम करो। माशाल्लाह से सब ठीक होंगे। और तो अभी जो है ना अदनान घर की बैक साइड पर जो है ना वो कुछ काम कर रहा है। ये इधर गंद बला मचा हुआ था, वो कूड़ा क्रिकेट और लकड़ियाँ रखी थी ना, तो सब गंदगी फैल गई लकड़ियों की वजह से। तो अदनान कहता है कि इसकी सफाई कर देते हैं, और तो आज जो है ना अदनान ने इसका मुकम्मल सफाई की है, और मिट्टी जो है ना काफ़ी सारी इधर डालनी थी, तो ये देखें चारों तरफ सारी मिट्टी डाली है, और उसके बाद जो है ना अभी इस पर पानी का छिड़काव करेंगे, लेकिन हो सकता है कि बारिश हो जाए। अभी ये जगह थोड़ी सी बच गई है, सुबह इसको भी मुकम्मल करना है, तल्ला भी लगाना है। तो अब बताए मैंने इसको मना कर दिया, अब कहते हैं नहीं लगाने। ये जो है ना सड़क पर है, तो सड़क के पर इधर बकरियां वगैरह जो है ना इधर से गुजरती रहती है, कि दीवार है नहीं, दीवार जब होती तो फिर ठीक था, लेकिन इधर बकरियां वगैरह गुजरती हैं ना, तो इस वजह से वो सब खा जाएंगी।
हाँ तो अभी जो है ना हम किचन में आ चुके हैं और आज हम पका रहे हैं मटर और साथ में चावल। जी हाँ, मटर वाले चावल, क्योंकि बच्चे जो है ना चावल बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों के लिए पका रहे हैं मटर वाले चावल। वैसे हम अपने लिए सालन बना रहे हैं उस घर में, और मैंने सोचा कि अभी इधर बैठकर बच्चों के लिए चावल बना लिए जाए। तो अभी जो है देखिए, मैंने मटर कुछ निकाले हैं और मैं प्याज भी काट लेती हूँ, टमाटर वगैरह भी सब लेकर आए हैं, ये भी हम काट लेते हैं। और अम्मी जो है ना वो देखे सामने अभी बैठी नमाज पढ़ी है अभी, और नमाज के बाद जो है ना अभी कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान मजीद की तिलावत कर रही है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके सरों पर बुज़ुर्गों का साया नहीं होता। यकीन माने अम्मी जो है ना 2 साल से मेरे पास थी, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, लेकिन 1 महीना जो है ना बीच में से चली गई मेरे घर से, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया। जब से अम्मी आई है तो ऐसा लगता है कि मेरे घर की रौनक वापस आ गई है। बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन अम्मी के साथ गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं और सारा दिन ही इकट्ठे बैठ के। तो अभी जो है ना ये देखिए, मैंने प्याज भी काट ली है और ये टमाटर माशाल्लाह से, ये देखिए नई नस्ल के टमाटर हैं इस मौसम में जो होते हैं बड़े बड़े लाल लाल टमाटर। मटर नरम होंगे तब तक जो है ना, फिर थोड़ी देर बाद इसमें हम पानी डालेंगे और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम चावल। तो अभी ये देखें मसाला तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है, मटर भी थोड़े नरम हो चुके हैं, तकरीबन आधे नरम करने हैं मटर, और उसके बाद इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। तैयार हो चुका है और मटर भी नरम हो गए हैं, तो अभी जो है ना मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो ये पानी हमने डाल दिया है और जब तक पानी को उबाल आता है, फिर हम ये देखिए चावल भी हमने धो के रख दिए हैं, तो फिर इसमें हम डालेंगे चावल। चल तो माशाल्लाह से पानी को बॉयल आ चुका है और अभी जो है ना हम इसमें चावल डालेंगे, जल्दी बन जाते हैं। तो चावल भी हमने डाल दिए हैं और बाकी के मसाले भी सब डाल चुके हैं, तो अभी जो है थोड़ी देर में चावल नरम हो जाएंगे, जब तक हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो अभी जो है ना चावल बन रहे हैं किचन में, लेकिन लकड़ी मेरे ख्याल में थोड़ी कम है, मैं चलती हूँ ऊपर से ऐसा ऐसा से जाकर लकड़ी लेकर आती हूँ, छत पर चलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चाल तो नहीं सकती, ऐसा ऐसा से ही जाना पड़ेगा, घुटने में थोड़ा दर्द है ना इसीलिए। बाकी चाल तो अच्छे से सकती हूँ, लेकिन जब सीढ़ियों पर चढ़ने का टाइम आता है ना, फिर ज़्यादा नहीं चाल तो ऊपर नहीं जा सकती, इसीलिए ऐसा ऐसा से जाना पड़ता है। तो लकड़ियाँ लेने में आई हूँ और लकड़ियाँ भी बाकी इधर थोड़ी सी बची हुई हैं, मैं तो इतने दिनों बाद आई हूँ, तो अभी एक लकड़ी लेकर चलते हैं। मेरे ख्याल में ये लंबी लंबी लकड़ी है, ये लेकर चलते हैं, ये खुश्क भी है। क्या हुआ? मुझे दे दो। क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है बच गई है। जो आप लोगों ने ये क्या करके रख दिया है, देखो इधर, ये आपको पता नहीं चल रहा था? नसीब के काम है, नसीब के काम है, आपको पता नहीं चल रहा था कि कभी कभार ऊपर लकड़ियाँ पड़ी हुई है, जाना पड़ता है। मैं अभी लकड़ी लेने गई, शुक्र है कि चोट वगैरह नहीं लगी, मैं बच गई, पकड़ लिया मैंने दीवार को, पकड़ लिया, पता है आपको?
अगर दीवार को ना पकड़ते सीधा नीचे आ जाती तो फिर क्या हो जाता, पहले भी मेरे इतने घुटने में दर्द है, बड़ी मुश्किल से चला जाता है। और आप हमें क्या दे रही है, आप अंदर बैठे हुए थे, मुझे क्या पता था। मैंने सोचा कि अभी लकड़ी डालनी है तो थोड़ी सी लेकर आती हूँ ऊपर से। शुक्र है मेरा तो दिल इतना जोर जोर से कांप रहा है, इतनी मुश्किल से पहले ठीक हुई हूँ और फिर से दोबारा से मेरी टांग में अगर कुछ दर्द हो जाता तो वैसे बच गए हैं अभी। तो चावल देखते हैं मेरे ख्याल में, मैं तो बच गई हूँ, चावल मेरे खराब हो गए बाहर में गया। आज ना आप ऐसा करना अदनान, सारी की सारी लकड़ियाँ ऊपर से उतार के नीचे रख देने, अब मैं नहीं जाऊँगी ऊपर लकड़ी लेने के लिए, ठीक है। अभी मैं बैठती हूँ और देखती हूँ चावल कहाँ तक पहुँचे हमारे। माशाल्लाह से मेरे ख्याल में चावल तो नरम हो चुके हैं, मैं अभी हाथ धो के आती हूँ, मेरे हाथ जो है ना सारे गंदे हो चुके हैं। ये देखिए सारा चूना उधर इन्होंने रखा है, मेरे सारे कपड़े भी गंदे हैं। उस दिन इधर दीवार को चूना इन्होंने लगाया है ना, तो वो बचा हुआ चूना इधर रख दिया इन्होंने खुश्क होने के लिए, तो उसमें जो छोटी छोटी कंकरियाँ थी, जैसे ही मैंने पैर रखा और पैर मेरा फिसल गया। शुक्र है कि दीवार का मैं आसरा कर गई और बच गई। और मेरे हाथ में तो आईफोन मोबाइल था, शुक्र है कि मेरा मोबाइल भी बच गया, वरना 3-4 लाख का नुकसान हो जाना था। अभी जो है ना चावल हमने ट्रे में निकाल लिए हैं, तो इधर बैठते हैं चारपाई पर, बच्चों को भी देते हैं और हम सब मिलकर खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से मगरिब की अजानें हो रही हैं और आप लोगों से हम इस वक्त चाहते हैं इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।